नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। 1 अगस्त से मीठापुर बस स्टैंड से बस पकड़ने के लिए जा रहे बिहार वासियों को बस स्टैंड ही नहीं मिलने वाला है। अस्तित्व खो चुके इस बस स्टैंड का कोई नामो निशान भी कल से नहीं देखने को मिलेगा। आपको बता दें, मीठापुर बस स्टैंड पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से बिहार वासियों को सेवा दे रहा है। हालांकि इस बस स्टैंड का अस्तित्व आज रात को खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज रात 12 बजे इस बस स्टैंड से आखिरी बस रवाना होगी। वही कल से ना तो यहाँ कोई बस चलेगी और ना ही किसी बस का ठहराव होगा। जिला प्रशासन ने सभी बस मालिकों और चालकों को शनिवार की रात तक मीठापुर बस स्टैंड खाली करने को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। जानकारों की माने तो बस स्टैंड को खाली करने का निर्देश धारा 133 की तरह पारित किया गया है, जिसके तहत जानकारों की माने तो फिलहाल इस बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आलम यह है कि मीठापुर बस स्टैंड में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण सड़क पर लंबे समय तक बसों के खड़े रहने के कारण जाम की समस्या भी देखने को मिलती है, जिसके कारण यातायात बाधित होती है। यानी कि रविवार की सुबह से बैरिया स्थित ISBT से भी सभी जिलों और राज्यों के लिए सरकारी और निजी बसों का परिचालन होगा। यानी कि साफ है कि जो भी बस यात्री बिहार के अलग अलग जिलों में सफर करने के लिए मीठापुर बस स्टैंड जाते थे, अब उन्हें वहां नहीं जाना होगा, बल्कि अब सारी की सारी बसें बैरिया स्थित ISBT से खुलेंगी। इसके साथ ही एक और बात यह भी साफ हो गई है कि आज रात तक जो भी बसें इस बस स्टैंड से खुलेंगी वो इस स्टैंड पर वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि अब यह बस सीधा बैरिया स्थित ISBT पर जाके रुकेगी। इस बाबत क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने भी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल बैरिया को अधिसूचित किया है। यही कारण है कि अब किसी भी परिस्थिति में बसों का परिचालन मीठापुर से नहीं किया जाए, इस बात को ध्यान में रखने की अपील भी कर दी गई है। इस बाबत संबंधित सदर पुलिस उपाधीक्षक थाना प्रभारी MVI को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताया गया है कि अगर इस आदेश को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो वो सदर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में लिखित रूप से दे सकता है। सुनवाई के बाद आदेश पारित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए बस टर्मिनल से फिलहाल जहानाबाद और गया जिले की बसों का परिचालन सबसे पहले शुरू किया गया था। वहीं पिछले महीने से ही इस बस टर्मिनल से नालंदा, नवादा, शेखपुरा और जमुई की यात्री बसों को भी नए बस टर्मिनल से परिचालित करने की योजना बनाई गई। धीरे धीरे करके सभी जिलों के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी गई है। यानी कि अब यात्रियों को ये ध्यान में रखना है कि अगर उन्हें बस पकड़नी है तो वो मीठापुर बस स्टैंड की तरफ से ना जाए, बल्कि बैरिया के ISBT की तरफ रवाना हो, वरना आपकी बस का छूटना तय है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।